अगर एक शख्स बरेलवियों के घर पैदा हुआ है, पूरी जिंदगी सिर्फ बरेलवी उलमा को सुनेगा, बरेलवियों की किताबें पढ़ेगा, उसको कभी नहीं पता चलेगा कि देवबंद अहले हदीस और अहले तशय्यो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और यही आप फार्मूला बाकियों के लिए भी लगा लें, अगर कोई उनके घर पैदा हुआ है तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता। इसके लिए चीज जरूरी है कि आप तासुब से पाक हों और सबको स्टडी करें, तमाम उलमा की किताबों को पढ़ें, उनकी तकरीर को सुने, और खुसूसन उन मामलात के ऊपर सुने जिनके अंदर इख्तलाफ राय पाया जाता है। जहां पर इत्तफाक पाया जाता है वहां तो आपको सारे एक ही बात करेंगे। और दूसरा थंब रूल यह है कि फिर आप जरा खुद भी मेहनत करें। मेहनत एक इस एतबार से करें कि जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए उनको काउंटर वेरीफाई करें कि कहीं इन्होंने कहानियां तो नहीं साथ मिक्स की हुई, और प्लस फिर आप न्यूट्रली उस चीज को स्टडी भी करें। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप एक टॉपिक को पकड़ें, उस पर आप 2 से 3 दिन लगाएं तो आपको सही बात पता चल जाए।